8 मई 2024 को पुलिस स्टेशन उड़ी को एक रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए इतला मौसूल हुई थी कि दो शख्स जिनका नाम है महमूद अहमद नजार वल्द मोहम्मद हसन नजार चुरुंडा का रहने वाला और सजाद अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अमीन मलिक जो कि धनी सैदा का रहने वाला है, इन दो शख्सों की जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही है नारकोटिक्स स्मगलिंग में और इन्होंने कुछ नारकोटिक्स का कंसाइनमेंट छुपा के रखा हुआ है। इस इतला को मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन उड़ी ने जो है FIR इल्लत नंबर 35/2024 NDPS एक्ट में रजिस्टर किया और अपने केस की जो है तफ्तीश स्टार्ट की। दौरान तफ्तीश ये दो शख्स महमूद अहमद नजार और सजाद अहमद मलिक को जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया। दौरान पूछताछ इन दोनों ने जो है ये रिवील किया कि इन्होंने कुछ नारकोटिक्स और कैश चुरुंडा में छुपा के रखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस पार्टी, इलाके के मजिस्ट्रेट मौके की तरफ रवाना हुए और इंडियन आर्मी की ट्रूप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की गई। ड्यूरिंग सर्चेस इन दो अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो कि हीरोइन लाइक सब्सटेंस है वो रिकवर किया और साथ ही साथ कुछ कैश भी बरामद की। इस रिकवरी के बाद जो है और तफ्तीश की गई और इन दो अक्यूज़ ने जो है अपने एक तीसरे साथी का नाम भी जो है हमारे साथ शेयर किया जिसका नाम है फयाज अहमद हजाम वल्द मोहम्मद रफ़ी हजाम जो कि धनी सैदा का रहने वाला है। पुलिस ने फिर फयाज अहमद को भी जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया और उसने भी अपनी क्वेश्चनिंग के दौरान ये डिस्क्लोज किया कि उसने भी कुछ कैश और कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस छुपा के रखा हुआ है। फिर से एक बार पुलिस पार्टी और मजिस्ट्रेट ने जो है जॉइंटली सर्चेस की और फयाज अहमद के डिस्क्लोजर पे भी कुछ कॉन्ट्राबैंड और उसके घर से कुछ कैश जो है हमने बरामद किया। अब तक जितनी सर्चेस और रिकवरीज हुई है उनकी क्वांटिटी इस प्रकार से है, जो हेरोइन लाइक कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस अब तक रिकवर हुआ है वो टोटल है 7 किलो 800 ग्राम जिसकी मालियत तकरीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास है इंटरनेशनल ड्रग मार्केट में और जो कैश अब तक हमने रिकवर किया है वो है 12,63,500 रुपये। अब तक हासिल की गई जो जानकारी है इस तफ्तीश में उसके अनुसार ये सारा जो नारकोटिक्स है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो नार्को हैंडलर्स है उनकी जानब से वादी कश्मीर में ड्रग्स की वबा को फैलाने की नीयत से और समाज को गुमराह करने की नीयत से भेजा गया था। अलर्ट ट्रूप्स और पुलिस के एक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो है हमने पकड़ लिया है और साथ ही साथ जो लोग इस गोरख धंधे में मुलव्वस है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।